तमाम प्रस्ताव हो सकते हैं जिसे आज मंजूरी मिल सकती है? बिल्कुल, अब से कुछ ही देर बाद धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। 11 बजे का समय इस बैठक का है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जा सकती है, कई प्रस्तावों पर मंजूरी भी मिल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण एक प्रस्ताव है जिसमें जो स्वरोजगार योजना के तहत महिलाओं को एकल धनराशि यानी लोन देने की व्यवस्था को संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा जो कई ऐसे विभाग है जिसमें जो रिक्त पद है उनको उनके संशोधन को लेकर के या उनको उनको भरने को लेकर के प्रस्ताव जो है उस पर चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिसमें जो 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 प्रदेश के लोग हैं उनको उनके लिए जो जांच की जाती है अस्पतालों में उसमें रेट निर्धारित करने की जो नीति है उसको भी मंजूरी दी जा सकती है। तो कह सकते हैं बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होगी और कितने प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल सकती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अभिषेक, देखने वाली बात होगी कि किस कौन कौन से वो तमाम वो प्रस्ताव है जिस पर मंजूरी मिलती है। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर है, मिशन 2024 को लेकर अखिलेश यादव एक्टिव।